हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न मेड पे। दोस्तों, आपको बता दूं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जो खास आप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से जितने भी डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। खा ये UPPCL दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि जो हमारा बिजली विभाग है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि हमारे लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए JEE की पोस्ट आ गई हैं, यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई हैं दोस्तों। तो आपको मैं सर उस पोस्ट के सारे डिटेल्स बता देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। तो दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में JEE की जो पोस्ट आई है उसमें दोस्तों जूनियर इंजीनियर, पोस्ट नेम क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों 81 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जिसमें जनरल कैटेगरी है उसके लिए 81 सीट्स, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 21 सीट्स, एंड OBC बैकवर्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट्स हैं, पिछड़े वर्ग से, उनके लिए 25 सीटें, और SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए 60 सीटें, और ST कैटेगरी के लिए 4 सीटें आई हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किए हैं दोस्तों, आज उनके लिए बहुत ही एक खुशी की बात है दोस्तों। वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की थी, इतनी सीटों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत ही कम सीटें आई हैं, फिर भी दोस्तों आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप सब इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बता दूं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 81 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी यानी कि EWS के लिए 21 सीटें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 21 सीटें, OBC के लिए 25 सीटें, और SC कैटेगरी के लिए 60 सीटें, और ST कैटेगरी के लिए 4 सीटें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आई हैं। हम सभी ने बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगा रखी थी 350 सीट्स की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने में मिलता है कि केवल 21, मतलब कुल मिला के करीब वही दोस्तों मात्र, अगर इसको देखा जाए तो ये 191 सीट्स जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। जबकि बात करें दोस्तों इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम ब्रांच से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। खैर, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए केवल एक सीट है, EWS के लिए एक भी सीट नहीं है, OBC के लिए 14 सीट हैं दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से अपना डिप्लोमा किया होगा उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। खासतौर से OBC कैंडिडेट, उनके लिए 14 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 6 सीट, और ST कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं आई दोस्तों इसमें। तो यह एक नोटिफिकेशन बहुत आज ही जारी हुआ है। तो अगर दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के JEE पोस्ट के लिए बात करें तो दोस्तों टोटल नंबर जो आ रहा है 191 सीट्स आ रही हैं, और अगर बात करें फिर टेलीकॉम और इसका मिला के तो ये 14-26 यानी 21 पोस्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो दोस्तों अब इसका अगर हम टोटल देखते हैं तो 112 11, और ये हो जाएगा 212, टोटल 212 सीट्स जूनियर इंजीनियर के लिए आई हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने फॉर्म टाइम से फिलअप कर लें, जैसा कि उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि शायद आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो फरवरी तक कराए जा सकते हैं, और ये एक इस मुझे PDF मिला हुआ है, और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं दोस्तों। तो ये सारा डिटेल लेने के लिए दोस्तों आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी जान सकते हैं, और टेलीग्राम में मैं आपको शेयर करूँगा दोस्तों, तो वहाँ पर आके आप देख सकते हैं, और ये PDF मैं आपको आपके तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और फिलहाल ये सारा डिटेल्स है जो कि मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।